और एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया है। शाम 5:30 बजे इंटरव्यू का प्रसारण होना है। पीएम ने इस इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने डीएमके नेताओं के सनातन विरोधी बयान पर जवाब दिया है। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 बजे जी न्यूज पर। कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ मैं बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत के इतने लोग हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। Zee News.